दिल्ली में यमुना नदी मंगलवार को खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गई। इस वजह से बाढ़ संभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजना पड़ा। अपने बच्चों का भी ध्यान रखें और किसी भी तरीके से यहाँ पर ना रहें, यमुना का जल स्तर बढ़ जाएगा, इसलिए आप लोग सभी लोग यहाँ से चले जाएं। जगह खाली करने की बोल गए, फिर हम तो है ना घर पे, हम तो काम पे आए, तो बोले कि पानी आ रहा है और मतलब लोग आए, हमें पता नहीं कौन कौन आए कौन कौन ना आए। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात की आशंका नहीं है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार है। जो वेदर की प्रेडिक्शंस अगले कुछ दिनों की हैं, उसके हिसाब से यमुना का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है, तो फ्लड की सिचुएशन आएगी ऐसा लगता नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शंस मेड बाय द एक्सपर्ट्स। पर फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। वेदर फोरकास्ट्स के ऊपर भी नजर है, वहां से जो पानी छूट रहा है उसके ऊपर भी हम लोगों की नजर है। यमुना के पास के इलाकों में रहने वाले लोगों का दावा है कि प्रशासन ने राहत के लिए कोई इंतजाम नहीं किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बाढ़ की आशंका के बारे में किसी ने जानकारी नहीं दी है। सर, हमें कुछ भी नहीं पता था, यहाँ पे किसी ने ना कोई मतलब की थी, कोई मतलब जानकारी नहीं थी किसी को, किसी ने कुछ बताया नहीं था। रात में हमें कुछ नीचे से लोगों से, लड़कों से पता लगा फोन से कि पानी बढ़ रहा है, इसलिए हम रात में ही खाली करना चालू कर दिए और सुबह तक अभी तक खाली कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कोई टेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमें तो किसी ने नहीं बताया था, हमने पानी नहीं देखा तो खुद ही आ गए थे इधर। बच्चे छोटे छोटे बच्चे तो लेके भाग के आए हैं यहाँ, तो कोई किसी ने नहीं बोला अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ अभी तो फिलहाल में। सारे बच्चे देखो रोड पर, अभी भी कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, सारे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, कोई टेंट वगैरह कुछ भी नहीं किया अभी। इस बीच दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मंगलवार को यमुना बाजार का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने इलाके में रहने वाले लोगों से भी बातचीत की। दिल्ली की जनता वाटर लॉगिंग से परेशान है, ये एक हर साल का रिचुअल बनकर चला रहा है। जो सीवेज की क्लीनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है, जो ड्रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए या उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सालों साल से जो नहीं हुआ है उसकी वजह से हर वक्त वाटर लॉगिंग होती है। यमुना की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिससे कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। नेचर कभी कोई चीज बता कर नहीं आता है, हमें उसके लिए तैयार रहने की जरूरत होती है। केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ निगरानी पोर्टल के मुताबिक हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज से नदी में ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से मंगलवार सुबह 6 बजे तक पुराने रेलवे पुल पर जल स्तर बढ़कर 206.28 मीटर हो गया।